हेलो एंड वेलकम बैक एवरीवन। मेरा नाम आशीष है और आप देख रहे हैं टेस्टी कोडीज। सो गाइस, आज पहला पार्ट है हमारे प्रोजेक्ट का। ओवरव्यू वीडियो हमारा पिछले वीडियो में पड़ चुका है, तो उसको आप देख सकते हैं कि ओवर वीडियो मैंने बताया क्या क्या मैं यूज करने वाला हूँ, क्या क्या चीज यूज करूंगा, सर्विसेज यूज करूंगा, कंपोनेंट्स, मॉडल वगैरह, ये सारी चीजें हम बता चुके हैं पहले ही। तो आज हम सबसे पहला पार्ट में हमने पहले ही बता रखा है कि सेटिंग अप न्यू एंगुलर एप्लीकेशन ऑन विंडो मशीन आज हम देखने वाले हैं। तो आपको मैं अपना पिछला वाला इमेज दिखा दूं जो मैंने लिस्ट लिखवाया था आपको। तो मैं यहाँ पे इसको मैक्सिमाइज करता हूँ और इसको थोड़ा सा जूम कर देता हूँ जिससे कि प्रॉपरली दिखे। तो ये हमारा सेकंड पॉइंट है, सेटिंग अप न्यू एंगुलर एप्लीकेशन। आज हम इसको स्टार्ट करने वाले हैं, तो चलो शुरू करते हैं। थोड़ा सा सेटिंग अप न्यू एंगुलर एप्लीकेशन के बारे में थोड़ा सा हम थ्योरी भी बता देते हैं। मान लो अगर कोई नया मतलब पर्सन आया हो जो बहुत पहले से नहीं पढ़ा हो, बहुत ज्यादा नहीं जानता हो, तो उसके लिए भी ये बेनिफिशियल है। तो चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले तो हम देख लेते हैं कि ये हमारा जो सेटिंग अप न्यू एंगुलर एप्लीकेशन होगा तो उसके लिए हमें क्या क्या रिक्वायरमेंट होनी चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं इसमें, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि चेक एनपीएम एंड नोड वर्जन। ठीक है, एनपीएम और नोड वर्जन को हम चेक करने वाले हैं। कैसे चेक करेंगे, अपने हम टर्मिनल पे चेक करेंगे। कमांड प्रॉम्प्ट ये हमारा है, सीएमडी मैंने किया, यहाँ पे टर्मिनल ओपन हो चुका है। अब यहाँ टर्मिनल पर हम चेक करने वाले हैं जो कमांड यहाँ पे दिया है। तो पहला स्टेप है npm hyphen v, तो मैं यहाँ टाइप करूंगा npm hyphen v, एंटर करूंगा। अगर हमारे में npm वर्जन इंस्टॉल्ड होगा तो यहाँ पे दिखा देगा, और नहीं होगा तो भी बता देगा कि नहीं है। तो यहाँ पे है हमारे पे 6.12.1 वर्जन है। अब इसी तरह नोड को चेक कर लेते हैं, यहाँ नोड हाइफन वी करते हैं और चेक करते हैं, यहाँ नोड 12.13.1 है। ऑलरेडी हमारे में ये दोनों वर्जन इंस्टॉल्ड है। तो अब उसके बाद क्या है, हम थोड़ा सा इसको मिनिमाइज करते हैं। उसके बाद है इंस्टॉल एंगुलर सी एल आई ऑन विंडो मशीन। विंडो मशीन पे एंगुलर सी एल आई को हम इंस्टॉल करेंगे कैसे, उसके लिए तीन स्टेप दिए गए हैं। पहला ये कमांड हम डालेंगे npm installed hyphen g at the rate angular cli। तो चलो इसको हम टाइप करके चेक कर लेते हैं। तो टाइप करने से पहले सबसे पहले मैं अपने जिस लोकेशन पे चाहता हूँ प्रोजेक्ट को रखना उस लोकेशन पे आता हूँ, तो मैं डेस्कटॉप पे चाहता हूँ। तो यहाँ मैं cd space डेस्कटॉप करता हूँ, तो मैं डेस्कटॉप पे आ गया। अब यहाँ पे मैं एक फोल्डर बना लेता हूँ जो हमारा एंगुलर 10 का प्रोजेक्ट है। सो मैं यहाँ पे टाइप करता हूँ mkdir में डायरेक्टरी, और यहाँ पे देता हूँ ई कॉमर्स, एंटर कर देता हूँ। मैं ई कॉमर्स नाम के फोल्डर बना लिया। अब सीडी स्पेस ई कॉमर्स पे चला जाता हूँ। अब यहाँ पर मैं पहला कमांड मैं डालने वाला हूँ npm install, ये मैं टाइप कर रहा हूँ npm install hyphen g at the rate angular slash cli, और इतना लिख के एंटर जैसे करूंगा आपकी इंटरनेट कनेक्टिविटी पे डिपेंड करता है कि कितनी तेज होता है, कितनी स्पीड में होता है। ठीक है, जैसे मैं इसको एंटर, जैसे ये कमांड मैं हिट करूंगा वैसे ही यहाँ पर प्रोसेस होना शुरू हो जाएगा और हमारा यहाँ पे npm इंस्टॉलेशन प्रोसेस प्रॉपरली शुरू हो जाएगा। ओके, तो जब तक ये इंस्टॉल होता है तब तक के लिए मैं वीडियो पॉज रख देता हूँ जिससे कि वीडियो बहुत लंबा ना खींचे। ओके, जब ये प्रोसेस इंस्टॉलेशन शुरू हो जाएगा तो आपको कुछ ऐसे एक दो वार्निंग दिखेगी, तो उससे पैनिक मत होना, बहुत परेशान होने की जरूरत नहीं है। ये सभी में आता है, तो ये मेरे में भी आया है, ऐसे कोई नई बात नहीं है कि ये मतलब कोई स्पेशली आप में ही आएगा। तो यहाँ पे देख सकते हो एंगुलर सीएलआई 10.1.7 वर्जन इंस्टॉल हो चुका है। तो अब अपन क्या करने वाले हैं, नया पैकेज इंस्टॉल करेंगे, नया प्रोजेक्ट नेम इंस्टॉल करेंगे। उसके लिए मैं अपनी CMD के कमांड प्रॉम्प्ट को थोड़ा बड़ा कर लेता हूँ जिससे कि आपको प्रॉपरली दिख जाए। ठीक है, तो उसके लिए एक मिनट आप बस वेट कर लीजिए, मैं उसको बड़ा कर लेता हूँ। अब यहाँ पे आप देख सकते हो हमारा ये टर्मिनल काफी मतलब बड़े फॉन्ट में आ गया है। ओके, अब ये काफी बड़ा दिख रहा होगा आपको, कोई दिक्कत नहीं हो रही होगी इसमें। तो अब हम क्या करने वाले, इस पे लास्ट वाला कमांड रन कर, सेकेंड कमांड रन कराएंगे एनजी न्यू स्पेस प्रोजेक्ट नेम। तो चलो उसको रन करा लेते हैं। मैं इसको यहाँ पे ऐसे करता हूँ और यहाँ टाइप करता हूँ एनजी न्यू, और यहाँ प्रोजेक्ट का नेम देने वाला हूँ मैं। प्रोजेक्ट का नेम हमने जो भी रखा है, हमने पहले मेन फोल्डर ही रख लिया है ई कॉमर्स नाम से, तो हमारा ई कॉमर्स नाम से फोल्डर हो गया। अब हम यहाँ पे देंगे ई कॉमर्स एप्लीकेशन, ई कॉमर्स ऐप कर दे रहे हैं, एंटर कर देंगे।
और अब यहाँ पे कुछ हमें क्रेडेंशियल मांगेगा कि जो जो चीजें आपको चाहिए वो अगर पहले से करना चाहो तो यस कर दो, नहीं तो नो कर दो। तो मुझे ये चीज चाहिए तो मैं इसके लिए वाई करता हूँ एंटर। और उसके बाद यहाँ पे स्टाइल शीट का फ्रेमवर्क मांग रहा है कि कौन सा फ्रेमवर्क आपको यूज करना है। अगर आपको कोई अनदर यूज करना है तो यूज डाउन एरो करके आप यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हो, बट मुझे बाय डिफॉल्ट सीएसएस चाहिए तो मैं सीएसएस पे ही एंटर करता हूँ। उसके बाद यहाँ पर आपका पैकेज इंस्टॉलेशन शुरू हो जाएगा, और जब तक ये पैकेज इंस्टॉलेशन होगा तब तक मैं वीडियो पॉज रखूंगा, क्योंकि ये प्रोसेस काफी टाइम टेकन होता है। अप्रोक्सीमेटली 2 से 3 मिनट तक लग जाते हैं विंडोज मशीन पे। अगर आप मैक ओएस यूज कर रहे हो सकता है आपको 1 1 और 2 मिनट ले ले, ठीक है? तो मैं तब तक के लिए वीडियो पॉज रख देता हूँ। ओके, सो हमारा पैकेज पूरा सक्सेसफुली इंस्टॉल्ड हो चुका है। आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे आपको कुछ ऐसा मैसेज दिखेगा। अगर जैसे मैं कर रहा हूँ ऐसे स्टेप वाइज स्टेप आप भी फॉलो कर रहे हैं तो आपको भी सेम ऐसा ही मैसेज दिखेगा, पैकेज इंस्टॉल सक्सेसफुली एंड सक्सेसफुली इनिशियलाइज्ड गिट। ठीक है, ये गिट पे भी इनिशियलाइज्ड कर देता है। अब चलो क्या करते हैं, अब हम अपने जो प्रोजेक्ट इंस्टॉल किए हैं उस प्रोजेक्ट के अंदर आते हैं और थोड़ा सा हम उसको रन करा के देखते हैं कि एक्चुअली में हमारा प्रोजेक्ट इंस्टॉल हो गया कि नहीं हुआ। तो मैं यहाँ पे टाइप करता हूँ सीडी, सीडी मीन चेंज डायरेक्टरी, और यहाँ पे ई कॉमर्स ऐप करता हूँ। तो अब हम ई कॉमर्स ऐप के अंदर आ चुके हैं। अब यहाँ पे मैं अपने प्रोजेक्ट को रन कराने वाला हूँ। तो रन कराने के लिए तीसरा कमांड हमारा जो भी था आप यहाँ देख सकते हो, तीसरा कमांड है हमारा एनजी सर्व हाइफन ओ या तो हाइफन ओपन। ओके, कुछ भी एक चीज टाइप कर सकते हो। तो मैं चलो कोई भी चीज कर देता हूँ। तो मैं यहाँ टाइप करता हूँ एनजी सर्व हाइफन ओ ही करता हूँ और इंटर कर देता हूँ। थोड़ी देर वेट करता हूँ, और ये इसका जो रनिंग प्रोसेस है, कंपाइलेशन प्रोसेस है, वो थोड़ा स्लो है लेकिन बहुत कूल है। ठीक है, ये 2 3 स्टेप में कंपाइल करता है और सबसे पहले प्रोजेक्ट को बिल्ड करता है, उसके बाद कई लेवल में ये कंपाइल करने के बाद तभी जाके आउटपुट हमें दिखाता है। तो चलो जब तक ये कंपाइल कर रहा है तब तक के लिए फिर मैं वीडियो फिर से पॉज कर दे रहा हूँ। वेल, मेरा कंपाइलेशन स्टार्ट हो चुका है। वैसे मैं आपको बता दूं कि मैं बार बार वीडियो पॉज इसलिए रख दे रहा हूँ क्योंकि वीडियो बहुत ज्यादा लंबी ना खींचे, जिससे कि आपको बोरिंग फील ना हो। बाकी जो चीज मैं कर रहा हूँ ऐसे आप भी करोगे तो आपको सेम ऐसे जैसी फीलिंग आएगी, वही चीज होगा, कोई एरर नहीं, कोई कुछ नहीं। तो ये हमारा प्रोजेक्ट कम्प्लीटली रन हो चुका है। रन होने के बाद आपको कुछ ऐसा दिखेगा, चंक मेन फाइल मेन डॉट जीएस वगैरह सारी चीज दिखेंगे। उसके बाद ऑटोमेटिकली ये ब्राउजर पर ओपन करके दे देगा। सो हमारा अभी प्रोजेक्ट कुछ ऐसा दिख रहा है, प्रिटी कूल है। बट अभी इसमें हम काफी चीजें चेंजेस करने वाले हैं, ये सारी चीज हम नहीं यूज करेंगे। ये प्री डिफाइंड है हमारे सिस्टम की तरफ से, जो हमारा प्रोजेक्ट प्री डिफाइंड इंस्टॉल होता है उसकी तरफ से ये बने बनाए डिजाइन है मिलते हैं। इसको हम कम्प्लीटली इरेज करके नया अपने अकॉर्डिंग बनाने वाले हैं, तो उसके लिए पेशेंस रखिए। आज का जो हमारा टॉपिक था सेटिंग अप न्यू एंगुलर एप्लीकेशन, ये हमारा पूरा सेट हो चुका है। और नेक्स्ट वीडियो हमारा आने वाला है नेक्स्ट 2 दिन बाद, तो उसमें हम देखने वाले हैं सेकेंड पॉइंट। और हमने आपसे बोला था कि आप कॉपी पेन उठा के नोट कर लीजिए, उसी पॉइंट के हिसाब से मैं ये पूरा प्रोजेक्ट बनाने वाला हूँ। ठीक है, अगर किसी में टाइम लंबा लगेगा तो लंबा ले लूंगा टाइम, बट अपने पॉइंट के हिसाब से ही चलूंगा जिससे कि आपको प्रॉब्लम ना हो समझने में। सो आई होप कि ये वीडियो आपने एंजॉय किया होगा। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर पिंग करिए। अब बात आती है यहाँ पर, ये इंस्टॉल तो हो गया लेकिन इसके अंदर बहुत सारे फाइल्स एंड फोल्डर्स बने होंगे, वो सारी चीजें। तो वो सारी चीजें मैं आपको बहुत ही स्पीड में मैं कवर कर दूंगा जब मैं यहाँ पे बूटस्ट्रैप इंस्टॉल करूंगा। तो क्योंकि काफी लोग हमें कमेंट में दे रहे हैं कि बूटस्ट्रैप इंस्टॉल करना बताइए, बूटस्ट्रैप के साथ बताइए, तो वो सारी चीजें भी आपको यहाँ सोल्यूशन मिल जाने वाली है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड कीप कोडिंग।